हेलो फ्रेंड्स, मैं समर्थ स्वागत करता हूँ आपका एक्सपेरिमेंट्स बाय समर्थ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 to 9 volt पे चलने वाली मोटर को रिपेयर करके बताने वाला हूँ। ये तो कॉमन है कि इस मोटर का कुछ समय बाद ये लीड या कनेक्टर टूट जाता है यूज़ करने के बाद, तो इसे ही मैं आज रिपेयर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ का कनेक्टर टूट चुका है, तो इसे बिना खोले मैं इसे रिपेयर करने वाला हूँ। एक नई ट्रिक है फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसे खोलने की कोई ज़रूरत नहीं मोटर को, उसके लिए सिर्फ हमें सोल्डरिंग मेटल और फ्लक्स चाहिए, बाकी कुछ नहीं। देखिए फ्रेंड्स, फ्लक्स का काम ही है कि जो सोल्डरिंग करते समय सरफेस पर कोई डस्ट या इम्प्योरिटीज़ हो तो उसे क्लीन करना, तो उसी का यूज़ करके आज हम यहाँ पर मोटर को रिपेयर करने वाले। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस मोटर पे टर्मिनल मतलब कनेक्टर जहाँ पर टूटा है वहाँ पर थोड़ा सा उसका पार्ट रह चुका है अंदर, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमें फ्लक्स लगाना है। देखिए, आप ऐसा किसी चीज़ को लगाकर या टेस्टर को लगाकर वहाँ पे लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ फ्लक्स को लगा लेता हूँ। आपको ऐसे ही लगाना है। देखिए, अभी फ्लक्स लग चुका है यहाँ पर। तो अभी हमें क्या करना है, सोल्डरिंग आयरन लेना है और हमें उस पर मेटल लेना है। देखिए, उस पर मेटल लेने के बाद इसे यहाँ पर एक स्पॉट लगाना है, जहाँ पर वो छोटा पार्ट दिख रहा था वहाँ पर उस मेटल को सिर्फ रखना है। तो देख सकते हैं आप, अभी अच्छे से सोल्डर हो चुका है वहाँ पर। जो फ्लक्स रहता है वो वहाँ पर कोई इम्प्योरिटी हो तो वो निकाल देता है और अच्छे से हमारा सोल्डरिंग मेटल वहाँ पर फिक्स हो जाता है। तो आप अभी देख सकते हैं फिक्स बैठ चुका है, अभी ये निकलेगा भी नहीं कभी, देख सकते आप। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर दो वायर कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तब तक आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अभी मैं वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ मोटर पर। एक हो चुका है कनेक्ट, अभी दूसरा लगाता हूँ। देखिए, जहाँ पर अभी हमने स्पॉट लगाया था उसी पे हमें कनेक्ट करना है। तो सोल्डरिंग आपको अच्छे से करनी है वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं अभी ये अच्छे से फिक्स हो गया है, अभी ये निकलेगा भी नहीं। अभी मैं आपको खींच के बताता हूँ। ये देखिए, वाइट वायर को मैंने पकड़ा है और ये निकलेगा भी नहीं। अभी मैं आपको इसके टेस्टिंग करके बताता हूँ। इसके लिए मैं चार्जर का यूज़ कर रहा हूँ 5 volt। तो जल्दी से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसे। अभी यहाँ पर प्रोपेलर लगाता हूँ। देखिए, ये मोटर वर्क कर रहा है। मेन बात तो फ्रेंड्स यही है कि इसमें आपको मोटर को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बिना मोटर को खोले आप इसे ऐसे भी रिपेयर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे मजबूती के साथ फिक्स हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।